सियासत कितना सत, कितना असत। सिया जी के समय से देखे जमाना, किसी की हकीकत किसी का फसाना। नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्से। क्या सुनाऊं आज आपको, पीएम के बेटे का वाकया जिसे यूपी वाले सीएम बनाने पर उतारू थे और जिसकी भतीजी अब दावा ठोक रही है, या फिर मुरैठा बांधे एक लंब तलंग हरियाणवी बुजुर्ग जिसने पांव पांव पूरा सूबा नापा ताकि सत्ता की सबसे ऊंची सीढ़ी नाप सके, या फिर एक चिट्ठी, एक प्रधानमंत्री, एक जेल और एक संडास का प्रकरण। इन सब के परे एक आदमी है, महामहिम है, नेता था, जिद्दी था, बागी था, या फिर हमारे एक बुजुर्ग, पुरखों के भी पुरखे, देश के पहले देसी सांसद, आजादी से दशकों पहले। सब बताऊंगा लल्लन टॉप के इस टॉप ऑन टॉप शो में, पॉलिटिकल किस्सों में। यूपी कांग्रेस में चर्चा है यूपी प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी की, संगठन में बड़े बदलावों की, और सुर्गा ये कि 2022 में प्रियंका दीदी होंगी सीएम फेस। और ये सुर्गा हमें ले चला यादों की सुरंग में। याद आए एक और गांधी जो यूपी के सीएम होते होते रह गए, संजय गांधी, प्रियंका के चाचा, 77 में हारे और 80 में जीते अमेठी। लेकिन मम्मी इंदिरा की सरकार में मंत्री नहीं बने। उस चुनाव के कुछ ही महीनों बाद हुए यूपी में चुनाव, कांग्रेस यहां भी सत्ता में लौटी। अब विधायकों को नेता चुनना था, सीएम चुनना था। एनडी तिवारी के नेतृत्व में बामन लॉबी, वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में बाबू साहबों की लॉबी, सब अपनी अपनी ठेल रहे थे। इंदिरा के लिए प्लेन हाईजैक करने वाले नेता देवेंद्र पांडे ने तब ट्रंप चाल चली, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा हमारा नेता होगा संजय गांधी। अब संजय के सामने कौन दावेदारी ठोके। विधायक दल की मीटिंग हुई, यही नाम चुना गया। फिर अगला सवाल उठा, इंदिरा जी को कौन बताए। परिवार के करीबी पी शिवशंकर को यह जिम्मेदारी दी गई। मैडम ने घर में सब सुना, फिर बिफर कर बोली आप मुझे दिल्ली में अकेला करना चाहते हैं। संजय इस बयान के बाद सीएम नहीं बने, बनना भी नहीं चाहते थे। पर इंदिरा कुछ ही महीनों बाद अकेली हो गई, क्योंकि 23 जून 1980 को संजय एक प्लेन क्रैश में गुजर गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मिशन 75, ये आंकड़ा मुझे 32 साल पीछे कल में धकेलता है। इकलौता मौका जब कोई पार्टी या गठबंधन 90 में से 75 के पार गया हो। सही सही बताऊं, 76। ये था देवीलाल की लोकदल और भाजपा के गठजोड़ का आंकड़ा, और इस नतीजे की बुनियाद एक यात्रा। फर्क इतना कि वो पांव पांव थी और ये गाड़ी पर है। 1985 पंजाब में शांति के वास्ते अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच समझौता हुआ, गांधी लोंगोवाल समझौता। इसकी एक शर्त हरियाणा से सीधे जुड़ी थी, सतलुज यमुना लिंक नहर। हरियाणा के किसानों में गुस्सा, उनके हिस्से का पानी चला जाएगा, उनकी खेती, उनकी समृद्धि चली जाएगी। और जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहे थे किसानों के नेता, जनता पार्टी के दौर में सीएम रहे चौधरी देवीलाल। देवीलाल ने विरोध में रोहतक जिले की माहम सीट से इस्तीफा दे दिया। उपचुनाव हुआ तो फिर जीत के आए, पर इस इस्तीफे और जीत के बीच में हरियाणा संघर्ष समिति बन चुकी थी, न्याय युद्ध का बिगुल फूका जा चुका था। ताऊ पूरे हरियाणा में पांव पांव घूमे, कई यात्राएं हुई, और ये खत्म हुई सत्ता के केंद्र की यात्रा का। क्या भजनलाल, क्या बंसीलाल, कोई कांग्रेस को नहीं बचा पाया। चौधरी देवीलाल आखिरी दफा, दूसरी दफा तब मुख्यमंत्री बने। पी चिदंबरम को सीबीआई की कोर्ट ने जेल में भेजा तो चिदंबरम ने जज साहब से एक चीज मांगी, कमोड। और हमें याद आए गुजरात से आने वाले एक सांसद मोदी, जिन्होंने कमोड मांगा था जज से नहीं,
चिदंबरम की पहली नेता इंदिरा गांधी से। ये नेता थे गोधरा के सांसद पीलू मोदी, कमाल का आदमी, हसोड़ भारी भरकम काया वाला आदमी, इंदिरा का निजी मित्र, लेकिन पॉलिटिक्स में दूसरे पाले में। इंदिरा ने 75 में इमरजेंसी लगाई तो बाकी विपक्षी नेताओं की तरह पीलू भी मीसा के तहत जेल में ठूंस दिए गए। फिर एक रोज रोहतक की जेल में पीलू को खत मिला। पीएम इंदिरा ने पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं पीएम? पीएम यानी पीलू मोदी। और पीलू का जवाब था, सिर्फ सुबह की समस्या है। इंदिरा समझ गई, हुक्म किया। जेल प्रशासन ने रातों रात सीमेंट का कमोड तैयार किया, संडास का काम दुरुस्त। वो बात और है कि डेमोक्रेसी भी उन दिनों संडास में थी। अशोका होटल की मशहूर चाय पार्टी हो चुकी थी। AIADMK की मुखिया जयललिता केंद्र की वाजपेयी सरकार से समर्थन ले चुकी थी। 30 सांसदों के जाने से वाजपेयी सरकार अल्पमत में आ गई और फिर 17 अप्रैल 1999 की तैयारी शुरू हुई, वो दिन जब अटल बिहारी को लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना था। पर हम एक दिन पीछे चलते हैं, 16 अप्रैल 1999 शाम का वक्त, अटल संसद से रवाना होने को थे, तभी उन्हें एक महिला की आवाज सुनाई दी पीछे से, घबराइए मत, सब ठीक होगा। ये मायावती थी, बसपा सुप्रीमो, 5 लोकसभा सांसदों की नेता। आडवाणी और महाजन उन्हें पाले में लाने में सफल हो गए थे। बसपा वोटिंग से अनुपस्थित रहने को तैयार हो गई थी। 16 अप्रैल 1999 रात मायावती ड्राइंग रूम में बैठी पार्टी सांसदों से चर्चा कर रही थी। उनकी नजर 2 मुस्लिम सांसदों की तरफ गई, आजमगढ़ से अकबर अहमद डंपी और बहराइच से आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ बोले, बहन जी, अगर बसपा भाजपा के साथ दिखी तो यूपी में मुस्लिम वोट हमेशा के लिए बिदक जाएगा। हम 2 भाजपा संग सरकार बनाकर उन्हें पहले ही खफा कर चुके हैं और सामने हमारे सपा है। बहन जी बोली, विचार करती हूं। 17 अप्रैल 1999 सुबह का वक्त, सदन शुरू होने से ठीक पहले भाजपा को बसपा के इरादों की भनक लगी कि बसपा बदल सकती है। और तब आनन फानन में अटल सरकार के ऊर्जा मंत्री रंगराजन कुमार मंगलम मायावती के पास पहुंचे और बोले, अगर आप अविश्वास प्रस्ताव पर हमें समर्थन देती हैं या वोट नहीं देने का फैसला लेती हैं तो शाम तक आप यूपी की सीएम होंगी। प्रस्ताव आकर्षक था, लेकिन 1 घंटे के अंदर मायावती के दर पर दूसरे विजिटर थे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता शरद पवार। मायावती ने सीधा सवाल किया शरद राव से, अगर बसपा नो कॉन्फिडेंस मोशन का सपोर्ट करती है तो क्या सरकार गिर जाएगी? शरद पवार का जवाब था, हां। और फिर उन्होंने अपने हां को वजन देने के लिए बहन जी को नंबर गेम समझाया। मदद की आरिफ मोहम्मद खान। 17 अप्रैल 1999 शाम का वक्त, 1947 की 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात के बाद संसद की 144 खंभों वाली इमारत का यह सबसे नाटकीय दिन होने वाला था और दिन पटाक्षेप की तरफ बढ़ रहा था। अविश्वास प्रस्ताव पर लंबी बहस के बाद स्पीकर गंती मोहन बालयोगी ने वोटिंग शुरू की, पहले ध्वनिमत, उसके बाद बालयोगी बोले, आई थिंक आईज हैव इट। विपक्षी खेमा बवाल करने लगा। फिर तय हुआ, वोटिंग होगी। तनाव चरम पर। लोकसभा सचिव के निर्देशों के बाद जैसे ही वोटिंग शुरू होने का ऐलान हुआ, एक आवाज गूंजी ट्रेजरी के उलट खेमे में, आगे की बेंच पर सलवार सूट में बैठी ये मायावती थी। उन्होंने पीछे की बेंच पर बैठे अपनी पार्टी के सांसद आरिफ मोहम्मद खान को चिल्लाकर कहा, आरिफ लाल बटन दबाओ। कुछ ही मिनट बाद लोकसभा में लगी इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर आंकड़े नहीं, बीजेपी का भय छपा हुआ था।
लोकसभा अध्यक्ष बालयोगी ने थरथराती आवाज में अंग्रेजी में कहा, I-269, Nose-270। महज एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने पुरानी सरकार गिर गई थी। मायावती की यह कलाबाजी भारतीय इतिहास में दर्ज कर ली गई। साथ ही दर्ज हो गए आरिफ मोहम्मद। फरवरी 19, देश का कानून मंत्री संसद में एक बिल पेश कर रहा था और देश का नौजवान गृह राज्य मंत्री उसी वक्त उसी संसद में आखिरी कुर्सी पर 4 लाइन का इस्तीफा लिख रहा था। बिल का नाम था द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट और गृह राज्य मंत्री का नाम आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपा और तेजी से संसद से निकल गए। इस बागी मंत्री को पता था अब उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, लिहाजा वो अपने सरकारी घर नहीं गया, दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में एक दोस्त के घर चला गया। रात होते होते सरकार अपने इस गुमशुदा मंत्री की खोज में लग गई। मंत्री जिसके पास कुछ ही महीने पहले उसके प्रधानमंत्री राजीव गांधी का 2 पंक्तियों का खत आया था। क्या लिखा था इसमें? I'm so happy to know the response on your brilliant speech। आखिर प्रधानमंत्री उनके किस भाषण के कसीदे कर रहे थे? इस कहानी को समझने के लिए हमें फरवरी 1986 से 10 महीने पीछे चलना होगा। 23 अप्रैल 1985, तकरीबन 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद इंदौर की शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला। शाहबानो जिन्हें उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने शादी के 43 साल बाद ट्रिपल तलाक दिया। बीवी बच्चा बिना छत के गुजारे के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहे। निचली अदालत, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, जहां चीफ जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बनी 5 जजों की बेंच ने एक राय में फैसला दिया शाहबानो के पक्ष में। मोहम्मद खान को निर्देश, गुजारे की रकम दो, हर महीने दो। इस न्याय संगत फैसले के खिलाफ खड़े हुए कट्टरपंथी पुरुषवाद से ग्रसित मुस्लिम संगठन, उनका तर्क, मुस्लिम पर्सनल लॉ में यह अदालत का दखल है। यह तय था इस विरोध के बाद कि 85 का मानसून सत्र हंगामा खेज होगा। मुस्लिम लीग के उन दिनों महासचिव थे केरल की पोनानी सीट के सांसद जीएम बनातवाला। उन्होंने उसी सत्र में एक प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश कर दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का प्रस्ताव रखा गया। यानी बहस संसद की दहलीज पर पहुंच चुकी थी और तब राजीव ने अपने नौजवान गृह राज्य मंत्री को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में राय जानने के लिए तलब किया। आरिफ ने कोर्ट के जजेस के फैसले को जायज ठहराया। तब राजीव ने उनसे जोश में कहा, तुम इस बारे में बोलते क्यों नहीं? हमें कट्टरपंथियों के सामने किसी भी हालत में घुटने नहीं टेकने चाहिए। आरिफ का जवाब था, मैं बोलूंगा तो आप पर दबाव आएगा, आप झेल पाएंगे? राजीव ने हामी में सर हिलाया। आरिफ ने हामी को हां समझा और लोकसभा में शाहबानो केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में बोला। 55 मिनट की शानदार लोकसभा की स्पीच सबको सुननी चाहिए ये तकरीर। इसमें शरीयत का हवाला दिया, कुरान का जिक्र किया और इस्लामी कट्टरपंथियों को धोकर रख दिया। 23 अगस्त 1985 की उस चिपचिपाती शाम आरिफ के पास 2 खत है, भाषण के बाद के खत। पहला राजीव गांधी का, जिसका जिक्र हमने कुछ देर पहले किया। दूसरा नजमा हेपतुल्ला का। नजमा उस समय कांग्रेस की नेता और राज्यसभा की उपसभापति थी। उन्होंने अपने खत में आरिफ के लिए दुआ मांगी, अल्लाह करे जोर जुबां और ज्यादा। लेकिन देखते ही देखते दिल्ली की सियासी जबान बदलने लगी। माखनलाल फोतेदार जैसे नेताओं ने राजीव गांधी पर दबाव बनाया, फैसला बदलने के लिए कहा, दलील दी कांग्रेस से मुस्लिम वोट खिसकेंगे। अब तक अरुण नेहरू कुछ खफा हो राजीव कोठरी से खिसक चुके थे।
उधर अयोध्या मसले पे विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन भी जोरों पर था। राजीव संशय में, भीतर बाहर का दबाव। कहा गया कि फैसला नहीं पलटा तो सरकार पलट जाएगी। ये दलीलें कौन दे रहा था फोतेदार के अलावा? राजीव की सरकार के मंत्री मौलाना जियाउर रहमान अंसारी, इसके अलावा सी के जाफर शरीफ, नजमा हेपतुल्ला जैसे लोग भी उनके साथ जुड़ गए। फिर नजमा ने ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और राजीव के बीच मुलाकात कर ली। और दिसंबर 1985 आते आते नई सोच वाला प्रधानमंत्री रूढ़िवादी मौलानाओं के सामने घुटने टेक चुका था। 15 जनवरी 1986 को राजीव ने दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम में शाहबानो केस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानून लाने का ऐलान कर दिया। किनारे तक धकेले जा चुके आरिफ तय कर चुके थे, अगर ये कानून संसद में आया तो वो नहीं रहेंगे मंत्री। अगली सुबह आरिफ संसद पहुंचे। सबसे पहले उनके पास राजीव की दून कोठरी के मेंबर अरुण सिंह आए, समझाने की कोशिश की, आरिफ अड़े रहे। फिर तो कांग्रेस नेताओं का तांता लग गया, क्या फोतेदार, क्या राव वीरेंद्र, क्या वसंत साठे, क्या सालवे, और आखिर में वी नरसिम्हा राव। दोनों की मुलाकात प्रधानमंत्री कार्यालय के वेटिंग रूम में। नरसिम्हा राव बोले, तुम अभी नौजवान हो, हमारा काम राजनीति करना है, हम यहां मुस्लिम समाज में सुधार कार्यक्रम चलाने के लिए नहीं है। तुम बहुत जिद्दी हो, अगर मुसलमानों का एक हिस्सा गटर में रहना चाहता है तो उसे रहने क्यों नहीं देते? और तब आरिफ का जवाब था, मुझे दिक्कत इस बात से नहीं है कि बिल लाया गया, लेकिन संसद में खड़े होकर मैंने देश की जनता को 55 मिनट तक ये बात समझाई थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस्लामी कानून का उल्लंघन नहीं है। अब मैं क्या कहूंगा, मैं उस समय गलत बोल रहा था, मेरे पास इस पद पर रहने का कोई नैतिक हक नहीं है, मैं अकबर का बीरबल नहीं बन सकता। इसके बाद राव राजीव गांधी के कमरे की तरफ बोले, आरिफ का इस्तीफा कबूल कर लिया गया। दिल्ली के जिस हिस्से हौज खास को खिलजियों ने बसाया था, वहां एक इमारत है, मेफेयर गार्डन। यहां के B10 नंबर के फ्लैट में एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। तारीख 26 जून 1987। जो शख्स केक काट रहा था उसका नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, यूपी का पूर्व सीएम, केंद्र सरकार का पूर्व वित्त और रक्षा मंत्री, और केंद्र वाले ये पूर्व राजीव की सरकार से जुड़े थे और उसी सरकार से जुड़े कुछ और पूर्व इर्द गिर्द जुटे थे, मसलन मेजबान आरिफ मोहम्मद खान, विद्याचरण शुक्ल और अरुण नेहरू। इन चारों ने बगावत का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, एक 4 पॉइंट का चार्टर राजीव को सौंपा। बदले में कांग्रेस ने उन्हें बर्खास्तगी का नोटिस सौंपा, हालांकि कई नेता पहले ही इस्तीफा भेज चुके थे। और देश में उन दिनों एक तोप का धमाका गूंज रहा था, बोफोर्स बाहर आ चुका था। इस चौकड़ी ने बोफोर्स अंबानी परिवार पर की गई कार्रवाई में दखल, पनडुब्बी घोटाले के इर्द गिर्द करप्शन फ्री इंडिया की मुहिम गढ़ी, मिस्टर क्लीन की छवि को गंदला कर दिया। और ऐसे वक्त में आरिफ ने यूथ कांग्रेस के पुराने संपर्कों का इस्तेमाल किया, दे दनादन वीपी की सभाएं होने लगी। ऐसी ही एक सभा, दूसरी सभा हरिद्वार में थी, और इसी के बाद नेशनल मीडिया का फोकस वीपी पर बढ़ने लगा था। इस सभा के लिए दिल्ली से नेता कार से रवाना हुए, और तभी आरिफ ने इस अभियान को नाम दिया जन मोर्चा। यह नाम 2 साल तक चला, रैलियों का सिलसिला चला, जनता दल बना, राजीव ने सत्ता गवाई, बोफोर्स ने बड़ी भूमिका निभाई, वीपी पीएम बने, और आरिफ उसी बहराइच से इस बार जनता दल के टिकट पर सांसद बने जहां से पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। फिर मंत्री बने, इस बार पूरे मंत्री, काबीना मंत्री, ऊर्जा विभाग। लेकिन वीपी की सरकार की ऊर्जा इसके बनने वाले दिन से ही कम होनी शुरू हो गई। 11 महीने में सरकार की
और साथ ही गिरा आरिफ का रसूल। 1991 में वो बहराइच से चुनाव हार गए, 96 में फिर हार गए और तब उन्होंने जनता दल तज बसपा का दामन थामा। 98 में जीते, लाल बटन दबाया, अटल की दूसरी सरकार इतिहास में चली गई और आरिफ भी, क्योंकि फिर कभी वो लोकसभा चुनाव नहीं जीते। हालांकि 3 दफा हेडलाइंस में लौटे, पहली बार जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन की अटल के कहने पर, सोनिया के मनाए जाने के बावजूद प्रगतिशील मुस्लिमों का कभी पॉलिटिकल पोस्टर बॉय रहा नेता अब जय श्री राम वाले खेमे में खड़ा था, तब जबकि गोधरा के दंगों का इल्जाम ताजा था। 2004 के लोकसभा चुनाव में भी यह नेता खड़ा था, उसी बहराइच की सीट से खड़ा था, भाजपा के टिकट पर खड़ा था। अटल सरकार हारी, आरिफ हारे और फिर चले गए आत्मनिर्वासन। उन्होंने पत्नी रेशमा के संग मिलकर समर्पण नाम की संस्था चलाई विकलांगों की। आरिफ दूसरी बार सुर्खी में लौट गए इसी बरस जब नरेंद्र मोदी के लाए इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बिल का उन्होंने खुलकर समर्थन किया और कुछ ही हफ्तों में तीसरी सुर्खी बनी केरल के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। साल 1889 अंग्रेजी अखबार हिंदू पंच, इसमें एक कार्टून छपा। दादा भाई नौरोजी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉबर्ट सेसिल साथ खड़े थे। सेसिल का कैरिकेचर गहरे रंग में, नौरोजी का सफेद रंग में और कार्टून का शीर्षक हु इज डार्कर। यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साल भर पहले दिए गए बयान की भारतीय प्रतिक्रिया थी। आखिर सेसिल ने ऐसा क्या कहा था? साल 1886 इंग्लैंड के मैनचेस्टर में कपास का सफल कारोबार जमाने के बाद गुजराती गणित अध्यापक दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश सियासत में हाथ आजमाने को तैयार थे। इस बरस हुए आम चुनाव में वो लंदन की होबन सीट से लिबरल पार्टी के टिकट पर लड़े, हार गए, जीते कंजर्वेटिव, पीएम बने सेसिल और उन्होंने ब्रिटिश संसद वेस्टमिंस्टर में बयान दिया, इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, हम अपने पूर्वाग्रहों को कितना भी पीछे छोड़ दें, मुझे शक है कि कोई इंग्लिश निर्वाचन क्षेत्र किसी काले आदमी को चुनकर भेजेगा। ये बात और है कि गुजराती मूल के पारसी दादा भाई नौरोजी दिखने में अंग्रेजों से भी ज्यादा गोरे थे और हिंदू पंच इसी हवाले से ब्रिटिश पीएम का उपहास उड़ा रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री के इस भाषण ने नौरोजी को ब्रिटेन में नई पहचान दी। लॉर्ड सेल्सबरी का काला आदमी, इस पहचान ने नौरोजी की सियासत को खूब रंग दिए। ब्रिटेन के लिबरल्स का उन्हें जमकर समर्थन मिला। फिर 1892 के चुनाव आए, वो लिबरल पार्टी के टिकट पर सेंट्रल फिंसबरी से मैदान में थे। इस दफा उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार डनवेन को 5 वोटों से चुनाव हराया। अजब इत्तेफाक, डनकेन भी पिछले चुनाव में 5 वोटों से जीते थे और इसी करीबी अंतर के चलते इस सीट को नैरो मेजॉरिटी कहा जाने लगा और नौरोजी को दुनिया की सबसे उम्रदराज पंचायत में बैठने वाला पहला भारतीय। पर नौरोजी की कहानी सिर्फ इस पहले के रिकॉर्ड तक महदूद नहीं है। इस ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया को बारंबार याद किया जाता है उनकी लिखी किताब के वास्ते, किताब जो 1902 में छपी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें उन्होंने अर्थशास्त्र की ड्रेन थ्योरी दी। नौरोजी का कहना था कि भारत की गरीबी की वजह ब्रिटेन था जो तेजी से अपने इस उपनिवेश से पैसा सोख रहा था। कितना पैसा? उस जमाने में हर साल लगभग 3 करोड़ पाउंड। नौरोजी ने ब्रिटिश राज को खून पीने वाला पिशाच बताया, उन्हीं की जमीन पर बताया। चलिए अब चलते हैं किस्सों के आखिरी हिस्से की तरफ। फुटनोट में हम आपको बताएंगे कोई किताब, कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई फिल्म या सीरीज जो आपकी पॉलिटिकल समझ बढ़ाए। आज का फुटनोट एक अमेरिकन टीवी सीरियल के लिए, द लाउडेस्ट वॉइस,
एक सीजन 7 एपिसोड में पसरी ये कहानी है रोजर एल्स की। रसेल क्रो ने प्ले किया है ये रोल, एक खतरनाक बुढ़ा जिसने नस्लीय दंभ और नेशन को इलेक्शन संग मिला दिया, जिसने टीवी न्यूज पर चीखने का बिना कंफर्म किए फर्जी खबरें चलाने का, नेताओं के चरित्र की सुपारी लेने का चलन शुरू किया सफलतापूर्वक। एक आदमी जिसने ट्रंप की दावेदारी को पहला मजबूत स्वर दिया, आदमी जो खुद बहुत करप्ट था, यौन शोषण समेत कई इल्जामों में घिरा था। इस सीरीज को देखते हुए आपको इंडिया के भी कुछ टीवी चैनल्स और एंकर्स याद आ सकते हैं। अब हम जा सकते हैं। जाते जाते बस एक सवाल आप खुद से पूछें, मैं भी पूछूंगा, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है।